ओमान मौसम विज्ञान ने अगले दो दिनों में सल्तनत के समुद्र तट के पास तेज हवाओं और बढ़ती समुद्री लहरों की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान महानिदेशालय ने अपने पूर्वानुमान में कहा, अधिकतम लहर की ऊंचाई अगले दो दिनों के दौरान 2 से 3.5 मीटर के बीच होने की संभावना है। ओमरान ने स्थानीय पर्यटन के लिए 3 कैंपिंग वाहन रिचार्ज पॉइंट लॉन्च किए हैं। यह बिजली, पानी और वेस्ट डिस्पोजल सेवाएं प्रदान करते हैं। ओमरान ग्रुप ने एक बयान में कहा, समूह ने अपनी आतिथ्य संपत्ति की संख्या में मनोरंजन वाहन यानी आरवी के लिए पेडेस्टल पॉइंट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें अटाना स्टे सलाला, रासल जिन्स टर्टल रिजर्व और अटाना स्टे अश्करा शामिल हैं। उन्होंने कहा, यह पहल राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समूह के प्रयासों के अनुरूप है और उपयोगकर्ताओं के लिए 110 से 120 वी पावर आउटलेट, जल आपूर्ति और वेस्ट डिस्पोजल सेवाओं जैसी कई सुविधाएं प्रदान करके पर्यटकों की अपेक्षाओं को पूरा करती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 114 नए कोरोना वायरस मामले और 2 मौतें दर्ज की हैं। देश में कुल मामले अब 1,29,888 हैं, जिनमें से 1,22,456 स्वस्थ हैं और 1,504 की मृत्यु हो चुकी है। मंत्रालय ने सभी से सर्वोच्च समिति और MOH द्वारा जारी सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।